जेंट पॉट बिरयानी वाला। सोनापुर नाम के गांव में चंदू भाई नाम का एक बिरयानी बनाने वाला बूढ़ा रहता था। उस इलाके में उसका बिरयानी बहुत मशहूर था। उसे खाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। बिरयानी का धंधा खूब चल रहा था। उसे देखकर मुन्ना नाम का एक व्यक्ति, अरे इतने दिन नौकरी के चक्कर में फिजूल में घूम रहा था, नौकरी से अच्छा बिजनेस करना है, ये बिरयानी का धंधा शुरू करूं तो जिंदगी में सेटल हो जाऊंगा, कहकर मुन्ना बिरयानी सेंटर कहकर एक दुकान शुरू किया। पर वहाँ जिसने भी खाया, धत ये क्या बिरयानी है, इतना बेकार, अपना चंदू भाई का बिरयानी इससे लाख गुना अच्छा है, चलो वहीं चलते हैं, कहकर चंदू भाई के पास जाते थे। खुलने के 3 ही दिन में बिरयानी का धंधा बंद करना पड़ा तो मुन्ना समझ नहीं पाया कि क्या करें और सीधा चंदू भाई के पास चला गया। चंदू भाई, आप तो बिरयानी बनाने में बहुत माहिर हैं, आपका जो बिरयानी का स्वाद है वो और कहीं भी नहीं है, मैंने भी आप ही की तरह बिरयानी बनाने की कोशिश की और नाकाम रहा, कृपा करके आप अपना ट्रेड सीक्रेट और फ्लेवर का फॉर्मूला मुझे भी सिखाइए, मैं भी बिरयानी सेंटर शुरू करता हूँ। देखो मुन्ना, तुम खुद ही कह रहे हो कि ये ट्रेड सीक्रेट है, तो उसे कोई किसी और को क्यों बताने वाला, बताऊंगा तो मेरे धंधे का नुकसान हो जाएगा ना, इसीलिए वो मैं तुम्हें नहीं बताने वाला, तुम जा सकते हो। मेरी सलाह ये है कि तुम कहीं किसी के असिस्टेंट लग जाओ और खाना पकाना सीख लो, वही तुम्हें कुछ दिनों में सिखा देगी और तुम कुछ सीख जाओगे, उसके बाद बिजनेस शुरू करो तो अच्छा होगा। तो सिर हिलाकर वहाँ से जाते जाते मुन्ना अपने आप से, चंदू भाई ने सच कहा, मुझे कहीं ना कहीं नौकरी में लग जाना चाहिए और खाना बनाने का नुस्खा सीखना ही होगा। चंदू भाई अपने पास तो मुझे नौकरी में रखेंगे नहीं, कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। यूँ अगले ही दिन बूढ़े के बेस में मुन्ना चंदू भाई के पास गया। भैया मेरा कोई नहीं है, मैं आपके पास काम करता हूँ, मेहरबानी करके काम दे दो, थोड़ा खाना दे दो बस। तब चंदू भाई ने उसकी हालत देखकर मान गया। उस दिन से मुन्ना चंदू भाई के लिए छोटे छोटे काम करते हुए उनका मन जीत लिया। चंदू भाई मुन्ना से बाहर के ही काम कराता था और रसोई के अंदर उसे जाने नहीं देता था। चंदू भाई दरवाजा बंद करके खुद ही बिरयानी बनाता था, किसी को भी अंदर नहीं आने देता था। ये देखकर मुन्ना, लगता है कि चंदू भाई को अब तक मुझ पर विश्वास नहीं हुआ, बाहर से सामान लाने के तो भेजता है पर वो बिरयानी कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या सामग्री किस मात्रा में डालते हैं और कैसे डालते हैं वो नहीं जानने देता, मैं ये कैसे सीखूंगा, किचन में जाने भी नहीं देता। आज किसी भी तरह किचन में जाकर देखना ही होगा कि चंदू भाई बिरयानी कैसे बनाते हैं। यूँ सोचकर मुन्ना किचन के पास सीढ़ी लगाकर खिड़की से झांककर कैसे बना रहा है देखने की कोशिश कर रहा था कि ऊपर से फिसलकर धड़ाम से गिरा। मुन्ना का हुलिया निकल आया और चंदू भाई की नजर में वो आ गया। अरे मुन्ना, तुम इतनी तकलीफ क्यों उठाते हो, तुम चाहे जितना भी कोशिश कर लो, मैं अपना सीक्रेट फॉर्मूला तुम्हें पता नहीं लगने दूंगा, अभी के अभी तुम्हें मैं नौकरी से निकाल रहा हूँ, सबसे पहले तो तुम यूँ छल करने की आदत सुधार लो। तो मुन्ना को गुस्सा आया और एक जेसीबी लाकर उसने उसकी बिरयानी की दुकान को गिरा दिया। क्यों चंदू भाई, अब ना तुम्हारी दुकान है और ना ही धंधा, तुम मुझे नहीं सिखाओगे, अब बनाओ बिरयानी, मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे छिपा छिपा कर बिरयानी बनाते हो, वैसे अब तुम्हारे दुकान पर कौन आएगा, अब तुम जो भी पकाओगे खुले में ही पकाओगे ना, कहकर चला गया। अपनी टूटी हुई दुकान को देखकर चंदू भाई रात भर शोक मनाता रहा। अगले दिन बड़े बड़े हांडियां ले आया। उसे देखकर मुन्ना, ये हुई ना बात, अब आए हो रास्ते पर, बिरयानी बनाने की जगह नहीं मिली तो अब हांडियां बेच रहे हो, बूढ़े चंदू भाई चलो करो हांडियों का धंधा, इसे भी मैं चलने नहीं दूंगा, सब तोड़ दूंगा, मुझे बिरयानी बनाना सिखाओगे तो ठीक है, वरना तुम जो भी धंधा करोगे मैं उसे बिगाड़ दूंगा, यूं धमकी देकर चला गया। चंदू भाई उसकी परवाह ना करते हुए उन हांडियों को सड़क पर रखकर बड़े बड़े हांडियों में पॉट बिरयानी बनाकर बेचने लगा। उसे बनाते हुए चंदू भाई, इस बिरयानी की खुशबू से ही लोग दौड़े दौड़े आएंगे, दुकान नहीं रहा तो क्या हुआ, पेड़ के नीचे भी धंधा चलेगा, कहकर वहीं बेचने लगा। धंधा खूब चल रहा था। उसे देखकर मुन्ना, ये क्या, पेड़ के नीचे जेंट पॉट बिरयानी का धंधा भी खूब चल रहा है इसका, इसे कैसे बिगाड़ूं, यूं सोचकर एक बंदर की टोली को बिरयानी की हांडी पर ले आया और छोड़ दिया।
वे बंदर आकर ढक्कन खोलकर खलबली मचाने वाले थे कि चंदू भाई ने सूझबूझ से उन सबको एक एक केले दे दिया। उन्हें लेकर वे बंदर चुपचाप वहाँ से चले गए। धत, फिर से चंदू भाई को मैं कुछ नहीं कर पाया, कहकर मुन्ना हाथ मलता रहा तो चंदू भाई उसके पास आया। बेटा, तुम बहुत गलत कर रहे हो। तुम दूसरों को नीचा दिखाने के चक्कर में तुम खुद नीचे गिरते जा रहे हो, अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। ऐसा ना करके तुम अपने आप को सुधारने के लिए समय का प्रयोग करोगे तो अच्छा होगा। कर भला तो हो भला। अभी भी मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आ रहा है। तुम जाओ और अच्छे मास्टर के पास काम में लग जाओ और सीखो। ये सुनकर मुन्ना समझ गया कि वो कितना गलत सोच रहा था। वो चंदू भाई के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगा। गुरुजी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दें। मैं समझ गया कि आप मेरे जैसे एक मूर्ख को सुधारने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। मुझे आपसे बढ़कर गुरु इस आसपास के इलाके में और कोई नजर नहीं आता। चाहे कितना भी वक्त लगे, मैं आपके पास ही रहूंगा। मैं बिरयानी बनाने की विधि आपसे ही सीखूंगा। मुझे ये पाक कला सिखाइए गुरुजी, मना मत कीजिए, कहकर विनती करने लगा। तब चंदू भाई ने उसे काम में लगा दिया। यूं चंदू भाई का मन जीतकर मुन्ना ने भी बिरयानी बनाने की विधि और खास नुस्खे सीखकर बढ़िया बिरयानी बनाने लगा। उसने भी अपना एक दुकान खोला और खुशी से बिरयानी बनाकर बेचने लगा। कप वॉल चैलेंज। कोपर गांव नाम के गांव में एक बार एक अजीब प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। वहां कई प्रतियोगी खड़े थे, उनके सामने कई कपों को दीवार की तरह खड़ा किया गया था। गांव का सरपंच मंगालाल, देखो गांव वालों, इसे कप बॉल चैलेंज कहते हैं। ये सब दौड़ते हुए कप के बीच में से चले जाएंगे, तब कप सारे नीचे गिर जाएंगे। जो सारे कपों को नीचे गिराकर चला जाएगा वही विजयी माना जाएगा। उसे 1,00,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। 1, 2, 3, GO कहकर सीटी बजाया। प्रतियोगी दौड़ते हुए गए और कपों को नीचे गिराते हुए चले गए। सिर्फ एक सारे कपों को गिराते हुए गया। बाकी प्रतियोगियों के कुछ कप्स ना गिरने के कारण वे सब हार गए। लोग ताली बजाने लगे और मंगालाल ने उसे 1,00,000 रुपए का इनाम दिया। उसी गांव के स्कूल में मंगालाल का बेटा पिंटू लाल पढ़ता था। वो बहुत घमंडी था। जब देखो वो दूसरे बच्चों को डांटता और मारता रहता था। एक बार वो क्लास में देर से पहुंचा, उसे टीचर ने रोककर, पिंटू तुम्हें कितनी बार कहा है कि यूं देर से आया ना करो। क्लास के अंदर आने से पहले परमिशन लेना पड़ता है, क्या तुम नहीं जानते? देखो तुम्हारी वजह से क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। हेलो मैडम, आपसे कितनी बार कहा है कि देर से आने पर यूं मुझे पूछा ना करो। ये स्कूल मेरे दादाजी ने बनवाया है, यानी इसके मालिक है हम। हमारी स्कूल में घूमने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। ज्यादा बोलना बंद करो और क्लास जारी रखो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, टीचर की इज्जत नहीं करते। गेट आउट ऑफ माय क्लास। तुरंत वो अपने जेब से फोन निकाला और फोन पर, डैडी मैंने कहा था ना कि हमारे स्कूल में एक टीचर है जो ज्यादा नाटक करती है, उसने अभी अभी मुझे क्लास से बाहर जाने को कहा है, क्या करूं? थोड़ी देर बाद स्कूल के पास मंगालाल की कार तेजी से आकर रुकी। वहां हेडमास्टर, टीचर और बाकी बच्चे थे। क्यों मैडम, तुम ही हो जो नाटक करती हो? मेरे बेटे ने बताया था। क्यों हेडमास्टर, हमारे दिए तनख्वाह पर जीने वाले तुम लोग हमें ऑर्डर दोगे? चुपचाप इस टीचर को नौकरी से निकालकर बाहर भेजो या फिर तुम जाओगे, सोच लो। तब पाचू नाम का एक लड़का, सर गलत आपके बेटे ने किया और आप हमारे टीचर को बाहर जाने को कह रहे हैं, ये तो गलत है। बेटे ने गलती की तो उसे डांटने के बजाय आप उसका पक्ष ले रहे हो। अरे तुम वो रिक्शा वाले बाबूलाल के बेटे हो ना, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करोगे तो दांत तोड़ दूंगा। तू भी बाहर जाएगा क्या इस मैडम के साथ? ये सुनकर वो डर कर पीछे हट गया। टीचर अपमान ना सह पाए और वहां से चली गई। उस दिन पाचू ने निर्णय लिया कि किसी भी तरह इसे सबक सिखाएगा। एक दिन हेडमास्टर बच्चों से, बच्चों आप सबके लिए एक शुभ समाचार है, कल अपने स्कूल में भी बच्चों के लिए कप बॉल चैलेंज प्रतियोगिता आयोजन किया जा रहा है। जो भी भाग लेना चाहते हैं वो अपना नाम दर्ज कराएं। बाद में पिंटू बच्चों से, सुनो तुम में से कोई भी उसमें भाग लेगा तो डैडी से कहकर तुम लोगों को स्कूल से निकलवा दूंगा। उस प्रतियोगिता में मैं ही अकेला भाग लूंगा और मैं ही जीतूंगा, समझे? खबरदार, कहकर उन्हें चेतावनी दी। उस दिन रात को स्कूल के पास पाछू लोहे के बने कप्स को एक के ऊपर एक रखकर उन्हें एक दूसरे के साथ वेल्डिंग करके जोड़ दिया।
फिर उन्हें रंग भी लगाया। अगले दिन हेडमास्टर, ये क्या पिंटू तुम अकेले ही भाग ले रहे हो? बच्चों तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम लोग हिस्सा नहीं लोगे? उनकी इतनी हिम्मत कहाँ है सर? वेस्ट फेलोस मुझसे मुकाबला करने से डरते हैं। इनाम तो मुझे मिलेगा ही, पर प्रतियोगिता में भाग नहीं लेकर इनाम लेना ठीक नहीं है ना। मैं अपना टैलेंट सबको दिखाना चाहता हूँ, देखिए। कहते हुए वो दौड़ते हुए जाकर कप वॉल से जा टकराया। बस वो मजबूत होने के कारण उससे टकरा कर ये उल्टा दूर जा गिरा। फिर वो सिर पकड़ कर बाप रे मैं मर गया कहकर चिल्लाने लगा। तब बच्चे सब हंसते हुए लोटपोट हो गए। ये देखकर पिंटू बहुत शर्मिंदा हुआ। बाद में पाछू पिंटू से, पिंटू ये कप वॉल मैंने ही बनाया था, झूठ बोलना मुझे पसंद नहीं है। मैं स्कूल छोड़कर जाने के लिए तैयार होकर ही ये हरकत किया। बच्चों की गलतियों को बड़े सुधारते हैं ऐसे कहते हैं, पर तुम्हारे पिताजी गलती करके तुम्हें बिगाड़ रहे हैं। ये बात तुम जितनी जल्दी जान जाओगे उतना अच्छा है। मुझे माफ करो दोस्तों, पाचू की इस हरकत से मैं अपनी हरकत जान गया हूँ। अब से मैं आप सबके साथ ही मिलकर रहूँगा। चलो हम सब लोग मिलकर टीचर को वापस ले आते हैं। यूँ सब मिलकर गए और टीचर को स्कूल ले आए। तब से पाचू और पिंटू अच्छे दोस्त बने और मिलजुल कर रहने लगे।